आप लोगों की सेवा में अगर सबसे बड़ी कोई कठिनाई है, सबसे बड़ी मुसीबत है, तो मेरे जैसे लोग हैं, मेरी बिरादरी के लोग हैं जो अपने आप को बड़ा खैरखा मानते हैं, बड़ा वीआईपी मानते हैं। हवाई अड्डे पर अगर उनको आपका जवान रोक करके पूछता है तो उनका पारा तेज चढ़ जाता है, गुस्सा कर देते हैं, आपको अपमानित कर देते हैं, यहां तक कहते हैं मैं देख लूंगा, आप हाथ पैर जोड़कर उनको समझाते हो साहब मेरी ड्यूटी है, लेकिन उसका तो पता नहीं, वो ऐसा वीआईपी कल्चर होता है। मैं घटना सुनाता हूं आपको, मैं पार्टी का काम करता था तो पूरे देश में मैं भ्रमण करता था, लगातार दौरा रहता था। एक बार हमारे एक सीनियर नेता भी मेरे साथ थे। अब हमारे देश में कुछ एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां पर सिक्योरिटी की वजह से डबल चेक होता है, श्रीनगर है, किसी जमाने में गुवाहाटी हुआ करता था, आजकल है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। तो मेरे साथ जो हमारे सीनियर लीडर थे, अब वो बड़े थे, जाने माना चेहरा था, लेकिन अब जो जवान वहां खड़ा था एयरपोर्ट पे, वो उनको पहचान नहीं पाया, तो उसने उसको रोका, रोक करके उनका जैसा उनका ड्रिल होती है वो ड्रिल के अनुसार चेक करने लगे। जैसे वो चेक करता था इनका पारा गर्म हो रहा था, अंदर सीट पर बैठने के बाद भी वो पारा कम नहीं हुआ, मेरे से भी बात नहीं कर रहे थे। मैं देख रहा था क्या साइकोलॉजी है इनकी। जब अगले जगह पे हमको आ जाना था तो मैंने कहा आप आगे मत जाइए, मेरे पीछे चलिए, पहले मैं चेकिंग करवाता हूं। और मैंने क्या किया, वहां गया और आपका जवान खड़ा था वहां, हाथ ऊपर करके खड़ा हो गया और मैंने कहा अरे भाई चलो जल्दी आरती उतारो। तो उसने कहा मैं तो आपको पहचानता हूं। मैंने कहा पहचानते हो तो भी आरती नहीं उतारोगे तो जाऊंगा रही, आप वो मेटल डिटेक्टर से घुमाते हो ना। जब मैंने उनको कहा कि आप मन में क्यों लेते हो चेक करो, आप ये सोचो को आपकी आरती उतार रहा है, गर्व कीजिए।